वो कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से अधिक ना तो कभी किसी को कुछ मिला है और ना ही मिलेगा। लेकिन नीति ने अगर आपके बारे में कुछ सोच रखा है तो निश्चित तौर पर सही समय आने पर आपको वो चीज़ मिल ही जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे मेहरबान दोस्तों। एक छोटी सी कहानी एक ऐसी लड़की की जिसने मुंबई के एक अनाथालय से ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन होने तक का सफर तय करा। जन्म देने के बाद लड़की को फेंकने वाले माता पिता अंदर ही अंदर आज रो रहे होंगे, क्योंकि वो अपनी पैदा की हुई उस बेटी से अब कभी नहीं मिल सकते। महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक अनाथालय है जिसे श्रीवास्तव अनाथालय कहा जाता है। 13 अगस्त 1979 को शहर के एक अनजान कोने में एक लड़की का जन्म हुआ, जिसके माता पिता ने न जाने किस मजबूरी बस सुबह सुबह उस लड़की को उस अनाथालय के पालने में छोड़ दिया। अनाथालय के प्रबंधक इस प्यारी सी बच्ची को लैला के नाम से पुकारते थे। उन दिनों हरेन और सू नाम का एक अमेरिकी जोड़ा भारत घूमने आया था। उनके परिवार में पहले से ही एक लड़की थी। भारत आने के बाद उनका मकसद किसी एक लड़के को गोद लेना था। वे एक सुंदर से लड़के की तलाश में इत्तफाकन इस आश्रम में आए, लेकिन उन्हें कोई भी लड़का नहीं मिला कि अचानक से तभी सू की नजर लैला पर पड़ी। लड़की की चमकीली और भूरी आंखें और मासूम चेहरे को देखकर उसे उससे उसी समय प्यार हो गया। कानूनी कार्रवाई करने के बाद लड़की को गोद ले लिया गया। सू ने उस लड़की का नाम लैला से बदलकर लिज रख दिया। वे वापस अमेरिका चले गए, लेकिन कुछ वर्षों के बाद वो सिडनी में स्थायी रूप से बस गए। पिता ने बेटी को क्रिकेट खेलना सिखाया। घर के पार्क से शुरू होकर गली के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने तक का यह सफर चला। क्रिकेट के प्रति उसका जुनून अपार था, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। उसे एक अच्छा मौका मिला, उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे बढ़ गई। पहले वो बोलती थी, फिर बाद में उसका बल्ला बोलने लगा और फिर उसके रिकॉर्ड उसके बारे में बात करने लगे। 1997 न्यू साउथ वेल्स पहला मैच, 2001 ऑस्ट्रेलिया का पहला ओडीआई, 2003 ऑस्ट्रेलिया द्वारा पहला टेस्ट और 2005 ऑस्ट्रेलिया द्वारा पहला T20। 8 टेस्ट में 416 रन और 23 विकेट, 125 वनडे, 2728 रन और 146 विकेट, 54 T20 मैच, 769 रन और 60 विकेट। वनडे में 1000 रन और 100 विकेट लेने वाली वो पहली महिला क्रिकेटर बनी। जब ICC की रैंकिंग प्रणाली शुरू हुई तो दुनिया की नंबर वन ऑलराउंडर थी। ऑस्ट्रेलियन कप्तान, बहुत खूब, ODI और T20 4 विश्व कप में भाग लिया। 2013 में उनकी टीम ने क्रिकेट विश्व कप भी जीता। उसके अगले दिन ही इस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसलिंग ICC ने लीजा स्टालगर को अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। इसीलिए कहा जाता है कि हर इंसान अपनी किस्मत लेकर आता है। माता पिता ने तो उस लड़की को एक अनाथालय में छोड़ दिया था, लेकिन नीति उसे पहले अमेरिका लेकर गई और फिर ऑस्ट्रेलियन टीम के क्रिकेट का कप्तान बना दिया और उसे दुनिया के एक महान क्रिकेटर में शुमार किया।